यीशु में सबकी सलामती हो। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? क्रिसमस का सीजन चल रहा है और पादर साहब ने भी मुझे यही कहा था कि क्रिसमस से मतलब कोई बातें लेके आए ताकि हम उस तरफ जो बढ़ रहे हैं उसकी तरफ और ज़्यादा हमारा ईमान मजबूत होता जाए, जो कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। उसी हवाले से आज का कलाम है। हम हवाला पढ़ेंगे लुका के अंजील पहला बाब है, उसकी आयत नंबर है 46। लुका के अंजील उसकी 46वीं आयत से लेके 48वीं आयत। कोई भी बहन या भाई ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनंजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े काम किए। राम का कलाम पढ़े जाने पर खुदावन्द का शुक्र। अजीजो, आज का जो मेरा मौजू है वो है औरत की पस्त हाली। कि कैसे हम कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं कि पुराने अहदनामे में औरत को किस तरीके से पस्त हाल समझा जाता था और क्यों माँ मरियम ने ये अल्फाज बोले कि मेरी पस्त हाली मुझसे दूर कर। हालेलुया, यही बात है आज हम सीखेंगे कि क्यों औरत पस्त हाल। हम उस तरफ बढ़ेंगे। असल में ये जो था ये माँ मरियम का गीत था जो उन्होंने गाया था वहां अपने रिश्तेदार के यहाँ जब जाती है तो उसके साथ 3 महीने रहती है, और क्योंकि फरिश्ता ने जब खुशी की बिशारत दी 6वें महीने में उनको, तो क्या हुआ कि फरिश्ता ने यह भी बताया कि तेरी रिश्तेदार के यहाँ भी बेटा होने वाला है, वो भी अमला है। तो ये फिर उसके पास जाती है और 3 महीने माँ मरियम उनके साथ गुजारती है, और 3 महीने गुजारने के दौरान ये जो गीत था ये माँ मरियम कहती है, जिसके आयत में लिखा है फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक है। हालेलुया, क्योंकि उससे पहले औरत जो थी वो पस्त हाल थी। किस तरह पस्त हाल थी ये सारा आज बयान किया जाएगा कि वो क्यों पस्त हाल थी। हम खुदावन के कलाम में से ये सारा सीखेंगे। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जब उन खास आयाम में औरत उस हालत में होती है तो उसके लिए कुछ अहकाम थे कि वो जिस भी जगह पर बैठ जाती थी कोई दूसरा उस जगह पर बैठ नहीं था सकता, वो किसी बर्तन को हाथ नहीं लगा सकती थी, जिस बर्तन को वो छू लेती थी वो नापाक हो जाता था। ये लिखा हुआ है अखबार की किताब में, ये हवाला पूरे का पूरा आप पढ़ सकते हैं और बड़ा ही डिटेल से लिखा हुआ है। अखबार की किताब के 15वें बाब में इस सारे हवाले को आप बड़ी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त होता क्या था कि अगर तो लड़का पैदा होता था तो उस वक्त भी औरत उन आयाम में होती थी, यानी उसका जो खून जारी होता था और वो सारे मामला। जब हम अहबार की किताब पढ़ते हैं तो अहबार की किताब के 12वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां से हमें शुरू हो जाता है कि अगर किसी औरत का लड़का पैदा होता था तो जब लड़का पैदा होता था तो औरत 7 दिन तक नापाक रहती थी। लड़के के लिए औरत 7 दिन तक नापाक रहती थी और
जब उसका आठवें दिन खतना हो जाता था और उसके बाद वो 33 दिन तहारत के खून में रहती थी। तो यानी 33 ये और 7 वो मिलाकर कुल 40 दिन तक औरत जो थी वो नापाक रहती थी, और वो किसी चीज को जब हाथ लगाती थी तो उसके बारे में जो अहकाम कुरान के कलाम में लिखे हैं कि कोई दूसरा उन चीजों को हाथ नहीं लगा सकता था, उसके बिस्तर पर बैठ नहीं जा सकता। लेकिन आजकल के जो हालात हैं, आजकल मुख्तलिफ हालात हैं और बहुत जिद्दत आ गई है इन सारे मामला। इसी तरह जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं तो जब लड़का पैदा होता था, लड़की पैदा होती थी तो इसी का दुगना, ठीक हो गया, यानी लड़के के लिए 7 दिन तो लड़की के लिए 2 हफ्ते 14 दिन, और इसी तरह जब लड़की पैदा होती थी तो तहारत के दिनों के उसी हिसाब से 33 के हिसाब से डबल हो जाता था, 64 दिन तक वो, तो टोटल मिला के वो 80 दिन तक औरत जो थी वो ना पाकर। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जब ये सारे मामला हो जाते थे तो आठवें दिन उनकी जो शरीयत थी उसके मुताबिक वो क्या करते थे कि लड़का हो या लड़की हो उनको कुर्बानी गुजारने के लिए हैकल में जाना ही पड़ता था, क्योंकि लड़का होता है तो उसके लिए आठवें दिन वो उसका खतना होता था, ठीक है, लड़की हो तो फिर भी उन्हें कुर्बानी लेके जाना ही पड़ती थी हैकल में। मसीह यसु भी जब उनके 8 दिन पूरे हो जाते हैं तो उनके लिए वो 2 कुमरियों का, कबूतर की ही एक शक्ल होती है, ठीक है, तो 2 कुमरियों के जो होते, और इन कुमरियों के बारे में भी कलाम में लिखा हुआ है कि यक साला, 1 साल की इनकी उम्र होती थी और इनको लेके जाया जाता था और कुर्बानी चढ़ाई जाती थी मूसा की शरीयत के मुताबिक। इसी तरह जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में, इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि हैकल के अंदर एक चिरागदान होता था, और उस चिरागदान जो होते थे उनकी तादाद 7 होती थी। तो इसी तरह हमें कलाम में भी उन 7 भांज औरतों के बारे में भी जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी जिंदगी जो थी वो बड़ी ही नागवारी की हालत में गुजारी थी, क्योंकि उनके यहाँ बच्चा नहीं था हुआ। तो जी तो हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी के यहाँ, किसी औरत के यहाँ बच्चा नहीं होता तो कितनी मुश्किल होता है जिंदगी गुजारना, यानी कि उसकी जिंदगी की खुशियां जो होती हैं वो मदहम सी हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी 2 बहनें मौजूद हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि हमारा जो मशरकी मुआशरा है, जब औरत को देखा जाता है कि वो भांज है तो उसकी पस्त हाली ही सहाता के उसको वो मकाम नहीं दिया जाता जो कि वो समझती है कि मेरा होना चाहिए। होता क्या है, या तो उसकी तलाक हो जाती है या उसके ऊपर औरत लाकर बैठा दी जाती है। यही सिलसिला हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं कि अगर औरत बांझ होती थी तो दूसरी बीवी कर ली जाती थी। मुकद्दस अब्राहम को भी हम देखते हैं, ठीक है जी, के सारा ने फिर क्या किया कि अपनी लौंडी दे दी कि इससे शादी कीजिए और इससे जो औलाद होगी वो हमारी ही होगी। तो हम जिस तरह 7 चिरागदान थे और खुदावंद की हैकल में 7 चिराग रोशन होते थे, हम बाइबल में भी 7 हवातीन के बारे में देखते हैं जिनको खुदा ने खुशी बख्शी। बारी बारी हम देखेंगे। सबसे पहले तो सारा की उम्र उस वक्त 90 साल थी जब उससे इसहाक की पैदाइश होती है। तो देखें कितनी लंबी उम्र और कितना अरसा उसने बर्दाश्त किया होगा। ये शायद वही सोच सकता है जो इस दुख में से गुजरा होगा या जो उस दुख में से गुजरी होगी जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 90 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती और फिर खुदा उनको खुशी की बशारत देता है और उनके घर में आके देता है।
कि तेरे बच्चा को, हालेलुया। और फिर अगले साल उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है जो कि वादे का फर्जंद कहलाता है। यह हवाला भी अगर आपने पढ़ना हो तो ये वादा किया गया था पैदाइश की किताब के 17वें बाब में, ठीक है, उसकी 15 से लेके 16 आयत में, और वादा पूरा होता है पैदाइश के 21वें बाब में। पढ़िएगा जाके अपने रूम में। तो जब अब्राहम के यहाँ पहली औलाद यानी के दूसरी औलाद इजहाक पैदा होता है जो कि वादे का फर्जंद था, तो उसके लिए फिर खुदा ने उनको कहा कि आगे को तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राम होगा, और सारी के लिए फिर सारा लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये पहली औरत थी। इसके बाद हम देखते हैं रिबका को। रिबका जो थी वो भी भांज थी, और रिबका के लिए उसका शोहर खुद दुआ करता है खुदा से कि खुदा इसको औलाद जैसी नेमत अता कर। तो जब वो उनके लिए दुआ करता है तो उनके दो बेटे पैदा होते हैं और दोनों ही जुड़वा पैदा होते हैं। हम पुराने अहदनामे में ये देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, एसाव जो कि बड़ा बेटा था और उसके बाद दूसरा बेटा पैदा होता है। इसी तरह हम राहल को देखते हैं। राहल जो थी वो भी भांज थी, हालांकि उसका जो शौकर था याकूब वो राहल से ज्यादा प्यार करता था। वो राहल से ज्यादा प्यार करता था और राहल जो के भांज थी, तो जब राहल ने देखा कि मेरी सौतन के हाँ यानी मेरी बहन के हाँ बच्चे पैदा हो गए, उसके 6 बेटे पैदा हुए उसकी बहन के हाँ, तो फिर राहल ने अपनी लौंडी जो थी वो ब्याह दी याकूब के साथ, और उसमें से फिर 2 बच्चे पैदा होते हैं। तो जब उसमें से 2 बच्चे पैदा होते हैं तो जो राहल की बहन है वो भी अपनी लौंडी लेती है और उससे भी 2 बच्चे पैदा होते हैं, और बाद में खुदा जो है वो राहल के लिए भी आसानियां पैदा करता है। जब राहल थी, जब भांज थी, तो राहल स्त्री इतनी पस्त हाल हो जाती है कि वो कहती है, वो याकूब को कहती है कि मुझे औलाद दे, मुझे धमकी देती है। कलाम में लिखा है वो उसे कहती है कि मुझे औलाद दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी, इस हद तक वो धमकी देती है। और ये वही लोग समझ सकते हैं इस हालत को जो इस सारे मामला से गुजर रहे हैं। तो उनके यहाँ फिर 12 बेटे पैदा होते हैं 4 औरतों से, यानी राहल की बहन जो थी उसके यहाँ अकेली के 6 बेटे पैदा होते हैं, और बाकी 3 जो याकूब की बीवियां थी उनमें से 2-2 बच्चे पैदा होते हैं, और टोटल 12 बच्चे पैदा होते हैं। खुदा उनको बरकत देता है और उन्हीं से फिर 12 कबाइल जो थे बनी इसराइल के बने। इसके अलावा हम हन्ना के बारे में देखते हैं। हन्ना यानी के समूएल की माँ। अलकाना एक शख्स था, उसकी 2 बीवियां थी, और ये हवाला आप पढ़ सकते हैं पहले समूएल की पहली आयत से, ये सारा जो है शुरू हो जाता है। अलकाना एक शख्स था और वो अमीर आदमी था। अमीर आदमी हम क्यों समझते हैं उसको, इसलिए समझते हैं कि जब भी वो खुदा की हैकल में घर में जाया करते थे तो कबूतर या वो चीज नहीं लेके जाया करते थे, बछड़ा या बकरी लेके जाया करते थे, ठीक है। इसी तरह हम इसीलिए समझ सकते हैं कि ये कुर्बानियां वही लोग देते थे जो कि अमीर होते थे। तो अलकाना की 2 बीवियां थी, एक बीवी का नाम तो हन्ना था और दूसरी बीवी का नाम फनन्ना था। तो जब सौतने होती हैं, पंजाबी में सौपन कहते हैं, तो जो सौतन होती है वो उसको छेड़ती है, यानी फनन्ना जो थी वो हन्ना को इस बात पर छेड़ती है और उसकी दिल आजारी करती है। तो हम सोच सकते हैं कि वो जो भांज औरत थी वो अपने दिल में क्या सोचती होगी, जब वो खुदा के हुजूर में, पिछले दिनों भी हमने दुआ के बारे में सीखा, तो वो पीट पीट कर दुआ कर रहा था खुदा की हुजूरी में, अपने आप को छोटा बना करके, खुदा तू ही कर सकता है सब कुछ। तो इसी तरह हन्ना जो है वो भी खुदा की हुजूरी में जाती है
और जब भी जाया करती थी खुदा के हजूर मन्नतें लेके जाया करती थी और फिर वो मन्नत मांगती है खुदा की हजूरी में कि अगर मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उस बेटे को खुदा की हजूरी में दे दूंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, खुदा उसकी दुआ सुनता है, उसकी सौतन के ताने भी सुनती है वो। खुदा को ये सारी चीजें खुदा सुन रहा होता है कि उसकी सौतन उसको ताने देती है और उसको छोटा समझती है कि मैं औलाद वाली हूँ और तुम बे औलाद। तो खुदा उसकी आवाज को सुनता है और उसको एक बेटा बख्शता है जिसका नाम बाद में सैमुएल रखा जाता है। और जब वो जो मन्नत उसने मांगी होती है उस मन्नत के हिसाब से, यानी कि जब तक उसका दूध नहीं चढ़ाया जाता वो हैकल में नहीं जाती, उसका शोहर अपने कुंबे के साथ हैकल में जाता है लेकिन हन्ना जो है वो हैकल में नहीं जाती जब तक के सैमुएल का दूध नहीं चढ़ाया जाता। और फिर मन्नत के तौर पर सैमुएल को वहां पर छोड़ दिया जाता है और खुदा हन्ना की पलतहाली को दे दिया। इसी तरह एक और औरत है जो कि भांज थी मनोहा की बीवी, सैमसन नबी की मां, जो कि काजी की था बनी इसराइल का। तो मनोहा की जो बीवी थी वो भी भांज थी। और ये हवाला भी आप पढ़ सकते हैं कदाद के 13वें बाप में, कदाद की किताब, काजियों की जो किताब थी उसके 13वें बाप की 2-5 आयत तक। तो खुदा का फरिश्ता उनके पास आता है और उनको खुशी की बिशारत देता है कि तेरे बेटा होगा तो उसके बाल ना काटना, ठीक है। और वो खुशी की बिशारत वहां पर मिलती है और ये खुशी की बिशारत जो है वो आगे 44वीं आयत जब हम पढ़ते हैं कदाद की किताब की, तो वहां पर जाकर ये बिशारत पूरी हो जाती है और खुदा उनको सैमसन बेटा जो है उनको अता करता है मनोहा की बीवी को जो कि भांज थी। और हम फिर देखते हैं कि वो फलस्तियों से, वो जो बेटा बड़ा होता है वो इतना ताकतवर होता है कि वो फलस्तियों में से फलस्तियों से छुड़ाता है बनी इसराइल को। तो यहां भी हम देखते हैं कि मनोहा की जो बीवी है उसके भांजपन को खुदा दूर करता है और उसकी पस्तहाली को खुदा दूर करता है। जरूरत तो यह है कि खुदा से मांगने की, जब हम सच्चे दिल से खुदा से मांगते हैं तो वो उसकी जिंदगी में हो जाता है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब मियां बीवी बैठ कर इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो खुदा उनकी जरूर सुनता है। तो जरूर हम भी ये ईमान रखते हैं कि खुदा जरूर सुनता है। एक और औरत शुनीमी औरत, ठीक है जी, और ये हवाला आपको दूसरे सलातीन में मिलेगा 4वें बाब में। एक शुनीमी औरत थी जो कि एक मर्दे खुदा था, यानी कि अलीशा। अलीशा जब भी उधर आता तो वो उसको दावत देती, वो जब भी आता था तो वो उन्हीं शुनीमी औरत के घर में रहता था और उन्हीं के घर में खाना खाता था और उन्हीं के घर में रहता था। और ये शुनीमी औरत जो थी ये एक मालदार औरत थी, ये इतनी मालदार औरत थी कि उसने अपने शोहर से बात की कि क्यों ना ये जो मर्दे खुदा आता है इसके लिए हम एक कमरा मखसूस कर दें, उसमें बिस्तर ये वो सब कुछ रख दें, जब भी ये इस इलाके में आया कर दे वो हमारे ही यहाँ ठहरा करे और हम इसकी खिदमत किया करें। शुनीमी औरत जो थी वो भी भांज औरत थी, उसका जो शोहर था वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो अलीशा नबी को कहती है कि क्या तू मेरा दुख दर्द दूर कर सकता है मुझसे, तो वो उससे अर्ज करती है कि हवाला आप पढ़ सकते हैं 4वें बाब को, पूरे को पढ़ेंगे दूसरे तलातीन को तो आपको ये हवाला मिलेगा। तो क्या होता है कि अलीशा नबी उसके लिए दुआ करता है, शुनीमी औरत के लिए अलीशा नबी दुआ करता है और ये भी कहता है कि अगले साल मौसम बहार में तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगले साल मौसम बहार में उसका बेटा पैदा होता है। और वो जो दुख में जिंदगी गुजार रही थी, वो जिसको लोग पस्तहाल समझते थे, दूसरों की नजर में वो भांज थी, खुदा ने उसकी गोद को हरा कर दिया और उसके दुख को खत्म कर दिया। और यही वो बच्चा था, बाद में इस बच्चे की डेथ भी हो जाती है। जब इस बच्चे की डेथ हो जाती है तो अलीशा नबी ही इसको जिंदा करते हैं और ये अलीशा नबी ने
वो मुर्दा था जो कि मुर्दों में से जिंदा किया। इसी बच्चे को हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने छह औरतों को देखा है जो कि बांझ थी, जबकि मैंने तो जिक्र सात औरतों का किया था। तो ये जो हमने जो पहला हवाला पढ़ा था, ठीक है जी, तो वहां आकर नए ऐतनामे में हम देखते हैं कि सातवीं औरत वो थी जिसके रहम को खुदा ने खोला था, अलिश्फा से। खुदा के फरिश्ता ने जब मां मरियम को ये खुशी की बशारत दी थी कि तेरे हां बेटा पैदा होगा, तो साथ में ये भी बोला था कि तेरी रिश्तेदार के हां भी बेटा होगा जिसको छठा महीना है, जो कि बांझ थी। तो उससे पहले क्या होता है कि जिक्रिया, पहली बात है वो एक काहन था, तो उसने भी खुदावंद के हुजूर जब उसकी कहानत की वो बारी आती है, तो वो अपने मनसब के मुताबिक खुदा की हजूरी में पाक तरीन मकाम में जाता है और दुआ मांगता है और उसकी दुआ पूरी होती है। लेकिन उस वक्त वो यकीन नहीं करता, तो खुदा का फरिश्ता उसकी आंखों को वो बोल नहीं सकता, तो उसकी जुबान को फरिश्ता जो है वो बंद कर देता है, और उस वक्त तक उसकी जुबान नहीं खुलती जब तक के वो हो नहीं जाता। और जो नाम फरिश्ता ने उसको बताया होता है वही नाम वो उसका रख नहीं देते, और वो तख्ती मंगवाता है और तख्ती के ऊपर वो नाम लिखता है, और जब तक वो योहन्ना लिखता नहीं है उस वक्त तक तो उसकी जुबान नहीं खुलती और बाद में वो बोलने लगता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि अलिशबा का रहम खुदा खोलता है और उनके घर में खुशी आती है और उनको बेटे जैसी नेमत अता करता है और उसकी खस्ताहाली जो है वो दूर होती है। इसलिए जब हम माँ मरियम का ये गीत सुनते हैं जिसमें माँ मरियम ने कहा है कि जब माँ मरियम इनके हाँ तीन महीने तक रहती है अलिशबा के हाँ, तो वहाँ ये गीत मरियम गाती है, क्योंकि मरियम जो थी उसने भी शरीयत पढ़ी होगी कि किस तरह औरत को पस्तहाल समझा जाता था, और जब औरत किसी चीज को हाथ लगा लेती थी तो उस चीज को नापाक तसव्वुर किया जाता था, किसी जगह पर वो बैठ जाती थी तो वहाँ पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था क्योंकि वो नापाक हो जाता था। इसलिए हम समझते हैं कि पुराना जो अहदनामा है उसमें औरत पस्तहाल थी। तो यहाँ पर मां मरियम ये कहती है कि खुदा ने मेरी पस्तहाली को मुझसे दूर किया, इसलिए मां मरियम ये कहती है, मां मरियम कहती है मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करे, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की जो सदियों से देखते आ रहे थे कि औरत किस तरीके से पस्तहाल है। इसलिए मां मरियम ने कहा कि अब खुदा ने मेरी पस्तहाली को मुझसे दूर कर दिया है। अजीजो, इसलिए भी क्योंकि मसीह यसु की पैदाइश हुई जो कि खुदा का बेटा है, और वो बेटा एक कुंवारी से पैदा हुआ जिसका शोहर भी नहीं था, वो औरतें जो भांज थी जिनके शोहर भी थे और उनकी पस्तहाली को देखें, और यहाँ हम देखते हैं कि वो माँ जिनके बच्चा भी नहीं है, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो उसको खुदा जो है वो बेटे जैसी नेमत अता करता है। तो इसलिए माँ मरियम ये कहती है कि खुदा ने मेरी पस्तहाली को मुझसे दूर कर दिया, और आइंदा के बाद जितने भी लोग हैं वो मुझको मुबारक कहेंगे। हालेलुया, खुदावंद के कलाम के लिए। तो जो मेरी बहनें इस दुख और इस तकलीफ में से गुजर रही हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे जो कि अपने आप को पस्तहाल समझती हैं, तो वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो तो वहां से भी काट लेता है जहां उसने बोया नहीं होता। तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, क्यों ना
मेरी जो बहनें हैं वो खड़ी हो जाएं अपनी अपनी जगह पर ही जो कि हमारी कलीसिया में हैं, और इस दुख और इस दर्द में उनके शौहर भी अगर खड़े हो जाएं तो ये भी सबसे अच्छा होगा। और मैं हदमीन से दुआ कर इल्तमास करूंगा पास्टर शहजाद साहब से, पास्टर जॉन साहब से, कि उन्हें अपनी नशीब से